Hello friend, in previous classes we have seen force exerted by jet on stationary plate. In that we have seen three cases. That is, first case was plate is vertical, okay, and jet is strike in this way. In second case, plate is inclined and jet is striking in x direction. And third case, plate is curved. In that case, we have again two sub cases, jet is striking middle or at the center of curve plate, and in another case, jet is striking tangentially to the curve plate. तो पिछले लेक्चर में हमने चार केसेस देखे जिसमें प्लेट स्टेशनरी थी. पहले केस में वर्टिकल, दूसरे केस में इंक्लाइन, तीसरे केस में कर्व्ड प्लेट थी जिसमें जेट सेंटर पे स्ट्राइक कर रहा था, और चौथे में कर्व्ड प्लेट थी और जेट टेंजेंशियली स्ट्राइक कर रहा था. अब इसमें भी दो चीज़ें हैं कि या तो प्लेट सिमेट्रिकल रहेगी या अनसिमेट्रिकल. तो इसमें दो केसेस है, जेट इज स्ट्राइकिंग टेंजेंशियली टू द सिमेट्रिक प्लेट एंड जेट इज स्ट्राइकिंग टेंजेंशियल टू द अनसिमेट्रिक प्लेट. ओके, तो ये चार केस, ये चार या पाँच बोलेंगे, ये हमने पिछले लेक्चर में कवर किया. आज हम देखेंगे नेक्स्ट ये कि फोर्स एग्जर्टेड बाय जेट ऑन मूविंग प्लेट. इसमें भी वही केसेस है, फ्लैट प्लेट, वर्टिकल प्लेट, इंक्लाइन प्लेट और कर्व प्लेट. तो पहले केस में हम देखेंगे फ्लैट प्लेट. देखिए यहाँ पर फ्लैट प्लेट है, ओके, और जो जेट है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है. जेट की वेलोसिटी वी है, लेकिन इसी के साथ ये प्लेट भी मूव हो रही है उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में प्लेट मूव हो रही है, और उसका वेलोसिटी है स्मॉल यू. मतलब जेट फ्लो होगा वी वेलोसिटी से और प्लेट फ्लो होगी, या प्लेट की वेलोसिटी है यू. अगर प्लेट स्टेशनरी रहती थी और जेट की वेलोसिटी यू रहती वी रहती थी, तो जेट वी वेलोसिटी से ही प्लेट को स्ट्राइक करता था. लेकिन इस केस में प्लेट भी मूव हो रही है और जेट भी एक ही डायरेक्शन में. तो अब ये जो जेट है वो वी वेलोसिटी से प्लेट को स्ट्राइक नहीं करेगा. वो कौन से वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा? रिलेटिव वेलोसिटी. ओके, प्लेट में और जेट में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? वी माइनस यू. अब इस वेलोसिटी के साथ जेट प्लेट को स्ट्राइक करेगा क्योंकि प्लेट यू वेलोसिटी से मूव हो रही है. आपको समझ में आ गया? नहीं तो एक एग्जांपल देके बताता हूँ. सपोज ये प्लेट है और जेट की वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड. अगर ये प्लेट स्टेशनरी है तो ये 40 मीटर पर सेकंड से स्ट्राइक करेगा, लेकिन अगर ये प्लेट इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से मूव हो रही है, तो जो जेट स्ट्राइक करेगा प्लेट को, वो ना ही 40 की स्पीड से करेगा, वो करेगा 40-10 की वेलोसिटी से. मतलब वो 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से प्लेट को स्ट्राइक करेगा क्योंकि प्लेट मूव हो रही है और रिलेटिव टू प्लेट जेट की वेलोसिटी अब कितनी है? 40-10. समझ में आ गया? रिलेटिव टू द प्लेट जेट की वेलोसिटी कितनी है? वी माइनस यू. मतलब उसी वेलोसिटी के साथ वो जेट को स्ट्राइक करेगा. तो ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द जेट विथ रिस्पेक्ट टू प्लेट, वी माइनस यू. अब हम निकालना है कि मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द प्लेट पर सेकंड. तो उसके लिए सेम फार्मूला, रो ए वी, ओके, इसको तो हम स्मॉल ए बोलेंगे, रो ए. अब ये वी मतलब जिस वेलोसिटी से जेट स्ट्राइक करेगा प्लेट को, ओके, वो कितनी है? वी माइनस यू. तो यहाँ पर क्या आएगा? वी माइनस यू. मास ऑफ द वाटर स्ट्राइकिंग टू द प्लेट ये आएगा इतना, रो ए वी माइनस यू. अब हम निकालेंगे फोर्स एग्जर्टेड बाय जेट ऑन द प्लेट. तो वो कैसे निकालेंगे? बाय उसका फॉर्मूला है फोर्स इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम, या मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी. तो m की वैल्यू हमने अभी भी निकाली, रो ए वी माइनस यू. इनिशियल वेलोसिटी मतलब जेट की इनिशियल वेलोसिटी जो स्ट्राइक करने वाली है प्लेट को, वो है वी माइनस यू. और स्ट्राइक करने के बाद जेट की वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन जीरो है क्योंकि वो जेट ऊपर वाई डायरेक्शन में चला जा रहा है, तो ये आएगा जीरो. तो इस केस में कि ये कितना आएगा? रो ए वी माइनस यू ब्रैकेट स्क्वायर. क्लियर?
तो इसमें हम वर्क डन या पावर भी निकाल सकते हैं। वर्क डन पर सेकंड, वर्क डन मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पर सेकंड चाहिए तो टाइम से डिवाइड कर देंगे तो एफ इनटू डिस्टेंस इन द डायरेक्ट डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी, तो आएगा रो ए वी माइनस यू इंटू यू, ये हो गया वर्क डन पर सेकंड, ऐसे हम पावर भी बोल सकते हैं। क्लियर? तो ये हो गया वर्टिकल मूविंग प्लेट पे जेट स्ट्राइक करने, स्ट्राइक करते वक्त कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। नाउ नेक्स्ट इज फोर्स ऑन द इंक्लाइन प्लेट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ जेट। अब इसी ये भी पहले के जैसा है, सिर्फ ये कर्व्ड है, मतलब देखिए ये प्लेट है, ये यहाँ पर स्मॉल यू वेलोसिटी से मूव कर रही है और ये जेट है जो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लेकिन इसका जो एंगल है थीटा है। ओके, इधर आएगा थीटा। क्लियर? तो अब जेट कितने वेलोसिटी से इस पर स्ट्राइक करेगा, अभी हमने देखा है वी माइनस यू। ओके, अब इसके दो कंपोनेंट है, अलॉन्ग द प्लेट, वर्टिकल द प्लेट और नॉर्मल टू द प्लेट। अलॉन्ग प्लेट क्या आएगा, ये कॉस थीटा और वर्टिकल साइन थीटा। ये हमने यहाँ पर मास निकाल लिया, मास ऑफ द वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकंड रो ए वी के फॉर्मूले से। अब हम निकालेंगे फोर्स, तो ये प्लेट, ये थीटा और ये भी थीटा, ये वी माइनस यू, ये अलोंग द प्लेट, ये नॉर्मल। अब हमें नॉर्मल निकालना है एफ एन, तो नॉर्मल क्या आएगा, वेलोसिटी का कंपोनेंट वी माइनस यू साइन थीटा, मतलब नॉर्मली वेलोसिटी का कंपोनेंट है वी माइनस यू साइन थीटा। तो फोर्स क्या आएगा, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, तो मास इनिशियल वेलोसिटी हो गई ये। क्लियर? तो मास की वैल्यू रो ए वी माइनस यू और इनिशियल वेलोसिटी वी माइनस यू साइन थीटा माइनस जीरो। तो ये हो गया फॉर्मूला नॉर्मल का, मतलब प्लेट ऐसी है तो नॉर्मल एफ एन है। ओके, तो हमें निकालना है एक्स डायरेक्शन में एफ एक्स और वाई डायरेक्शन में एफ वाई। क्लियर? तो एक्स एफ एक्स कितना आएगा, एफ एन साइन थीटा, और ये कितना आएगा, एफ एन कॉस थीटा। बराबर? क्लियर? ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये बराबर साइन आ जाता है, ये कॉस आ जाता है, मैंने आपको क्लास में ही पढ़ाई है। तो ये आ जाएगा एफ एक्स एफ एन साइन थीटा, एफ की वैल्यू पुट कर दी, एफ वाई एफ एन कॉस थीटा, उसकी वैल्यू पुट कर दी, ये हो गया फोर्स एग्जर्टेड बाय जेट ऑन मूविंग इंक्लाइन प्लेट। क्लियर? इसके बाद हम देखेंगे फोर्स एग्जर्टेड बाय जेट ऑन कर्व प्लेट व्हेन प्लेट इज मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ जेट, और वो जेट भी सेंट्रली स्ट्राइक हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर हमने वो मास तो निकाल लिया है, एम इक्वल्स टू रो ए वी माइनस यू, ये तो हमने निकाल लिया है। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपको बताता हूँ, जेट स्ट्राइक हुआ और इस दोनों डायरेक्शन में चला गया। ओके, तो ये जो एंगल है वो थीटा है, ये जो एंगल है थीटा है वेलोसिटी का, तो वाई डायरेक्शन में एक कंपोनेंट आएगा जो रहेगा वी साइन थीटा और एक्स डायरेक्शन में रहेगा वी कॉस थीटा। लेकिन ये वेलोसिटी कौन सी है, स्ट्राइक करने वाले, तो वी के बजाय हम क्या लिखेंगे, वी माइनस यू, सिमिलरली वी माइनस यू, मतलब ये हो गई फाइनल वेलोसिटी कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन, फाइनल वेलोसिटी कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन। क्लियर? ये बात क्लियर हो गई। ये हम देख रहे कर केस में, पहली केस जिसमें जेट सेंटर पे स्ट्राइक कर रहा है और ऐसे अलोंग द प्लेट मूव होके ऐसे बाहर चला जाएगा, तो स्ट्राइक कितने वेलोसिटी से कर रहा है, वी माइनस यू, तो ये कंपोनेंट रहेगा वी माइनस यू कॉस थीटा और ये रहेगा वी माइनस यू साइन थीटा। क्लियर? अब हम निकालेंगे फोर्स। अब देखिए यहाँ पर फोर्स एग्जर्टेड बाय जेट ऑन द कर्व प्लेट इन डायरेक्शन ऑफ जेट, एक्स डायरेक्शन में निकालना है, सॉरी
एफ इक्वल्स टू एम इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, तो ए इसकी वैल्यू है रो ए वी माइनस यू। ठीक है, अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है स्ट्राइक होने से पहले, वी माइनस यू बराबर माइनस फाइनल वेलोसिटी। देखो अब ये फाइनल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, अगर इस डायरेक्शन में रहती तो हम पॉजिटिव लेते, इस डायरेक्शन में तो निगेटिव, मतलब माइनस वी माइनस यू वो भी कॉस थीटा बराबर। तो ये कितना आएगा रो ए वी माइनस यू, वी माइनस यू माइनस यू कॉमन आ जाएगा, तो इसका ब्रैकेट स्क्वायर, यहाँ पर रहेगा वन माइनस माइनस प्लस और ये कॉस थीटा बचा हुआ, ये वाला यहाँ पर कॉस थीटा है। फाइनल वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या है, वी माइनस यू कॉस थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना फोर्स हुआ एक डायरेक्शन में, रो ए वी माइनस यू ब्रैकेट स्क्वायर वन प्लस कॉस थीटा, देखिए। ठीक है, सिमिलरली वाई डायरेक्शन में देखिए, वाई डायरेक्शन निकालेंगे, फोर्स इन वाई डायरेक्शन एम इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, तो एम रो ए वी माइनस यू, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में जीरो है क्योंकि ये जो वी माइनस यू है ये एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है, तो वाई डायरेक्शन में ऊपर जीरो है, माइनस वाई डायरेक्शन में क्या है वी माइनस यू साइन थीटा वी। ठीक है, ये तो बाहर आने के बाद क्या होगा, माइनस रो ए वी माइनस यू स्क्वेयर साइन थीटा, माइनस डायरेक्शन क्या इंडिकेट करता है, नीचे है वो, उसका डायरेक्शन नीचे है। देखिए ये सिर्फ एक्स में निकाला है, मैंने वाई में निकाला, तो देखिए ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई, रिजल्टेंट आएगा यहाँ पर, ये आएगा फाइव। ठीक है, तो इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड थ्री केसेस। अब जो बची हुई केस है उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, इसमें बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो इसको मैं आपको कल के लेक्चर में लेता हूँ, क्लियर। तो आज हमने देखा फोर्स एग्जर्टेड ऑन मूविंग प्लेट, जिसमें पहले केस में प्लेट वर्टिकल थी और इस डायरेक्शन में u वेलोसिटी से मूव हो रही थी और ये v डायरेक्शन से z आ रहा था। दूसरे केस में प्लेट इंक्लाइन थी, z की वेलोसिटी v और प्लेट इस डायरेक्शन में u। तीसरे केस में प्लेट कर्व थी, इधर u डायरेक्शन में मूव हो रही थी और z सेंट्रल से स्ट्राइक होने वाला था। ये तीनों केस हमने देखे, कल हम देखेंगे कि ये टेंजेंशियली स्ट्राइक करता है और प्लेट अनसिमेट्रिक है, तो ये हम कल के लेक्चर में देखेंगे। कुछ डाउट रहा तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।